प्रदेश में लूट और चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बेखौफ बदमाश आए दिन बड़ी अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला फिरोजाबाद का है। यहां पेट्रोल पंप कर्मी से दिन दहाड़े तमंचे की नोक पर अज्ञात बदमाशों ने 2,37,000 रुपए लूट ले गए। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर दिया। अमित कुमार सिंह जी, ये कौन सा पेट्रोल पंप? जय अंबे मिडवे एनर्जी पॉइंट। क्या घटना हुई आज यहाँ? आज सुबह करीब 10:40 पर जो हमारा स्टाफ है रोदल और जनवेद जी, दोनों दो दिन का कैश था, वो लेके जा रहे थे और पंप से 300-400 मीटर आगे चलकर जी और चौकी से लगभग 300-400 मीटर के बीच में ये घटना घटित हुई है, जिसमें से पीछे 3 बाइक सवार अज्ञात लोगों के द्वारा उनको धक्का दिया गया तथा क्योंकि भूमि रोड पर काम चल रहा है तो नीचे जो गड्ढा सा है उसमें उनकी बाइक गिरा दिया और उनसे हाथापाई करी और फायर करके थैलों से पैसे से भरा थैला जी जो है वो बाइक के बैग में जो पैसा रखा हुआ था उसको छीन कर ये लोग भागे हैं, जिसकी तत्काल मैंने डायल 100 पर करीब 20-25 लगे थे मेरे को सूचना देने में, क्योंकि वो मोस्टली इंगेज था। मेरी एसपी फिरोजाबाद उनसे बात हुई महेंद्र कुमार जी से, मैंने उनको सूचित किया, डायल 100 पर सूचित किया, तब तक काफ़ी लगभग देर हो चुकी थी और लोग बाग वो जो अज्ञात लुटेरे थे जिन्होंने लूट करी थी वो भाग चुके थे। कितना कैश था? लगभग 2,37,100 रुपये। लगभग क्या? 2,37,100 रुपये।